नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। इन दिनों सत्ताधारियों की शाह पर झांसी में भूमाफिया सक्रिय हैं, जो किसी भी विवादित संपत्ति पर कब्जा करने के लिए तत्पर रहते हैं। यहां भूमाफिया विवाद करने वाले लोगों के साथ मिलकर संपत्ति का इकरारनामा या फिर बैनामा करवाते हैं और फिर रसूख के बल पर पुलिस के साथ मिलकर खेल करते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सपा शासन में गुंडों ने लोगों की जमीनों पर कब्जा किया। 2017 में योगी की सरकार बनते ही उन्होंने माफियाओं पर कार्यवाही करना शुरू किया। 5 साल बेहतर सरकार चलाने के बाद लोगों को भरोसा हो गया था कि अब प्रदेश में गुंडाराज नहीं चलेगा, लेकिन अब फिर से सत्ता में कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जिनका काम ही गुंडागर्दी के बल पर लोगों की संपत्ति कब्जाना है। एक ऐसा ही मामला झांसी के सबसे पॉश इलाके से सामने आया, जिसमें एक व्यापारी की मौत के बाद जमीनों के भूखे भेड़िए उनकी करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए सक्रिय हो गए। दरअसल मामला तब प्रकाश में आया जबकि कुछ दिन पहले एक सास को लेकर उनका दामाद पत्रकारों को पैसे देकर अपनी खबर छपवाने के लिए अधिकारियों के पास जाकर शिकायतें कर रहा था। इस पूरे मामले में जानकारी की तो पता चला कि झांसी के सिविल लाइन स्थित होटल ड्रीम लैंड और उसके सामने बना एक बंगला इस विवाद की जड़ था। इस बारे में हमारी टीम ने इस होटल की संचालक प्रेरणा साहू से बात की तो पता चला कि करीब 3 माह पहले उनके पति संजय साहू, जो कि संपत्ति के अकेले वारिस थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद प्रेरणा ने उनके इस कारोबार को अकेले ही संभाला, लेकिन इसके बाद से ही उनका बहनोई आशीष, जिसने संजय जो संपत्ति को हड़पने के लिए प्रयास कर रहा था, इसी साजिश के तहत उनसे प्रेरणा की सास को अपने साथ मिला लिया। प्रेरणा की माने तो पहले आशीष शर्मा ने सास को मोहरा बनाकर एक फर्जी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने निष्पक्ष जांच करते हुए उसे फर्जी पाया। इसके बाद आशीष कुछ भूमाफियाओं से मिल गया और उसने करोड़ों की संपत्ति को औने पौने दामों में सास और बहन को उसका मालिक बताते हुए फर्जी इकरारनामा कर दिया। प्रेरणा ने बताया कि झांसी के एक बड़े नेता के पुत्र ने अपने रसूख के बल पर कुछ भूमाफियाओं को अपने साथ में लेकर यह फर्जी एग्रीमेंट किया है, जबकि पति संजय की मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति पर पत्नी और बच्चों का हक होना चाहिए। इसके लिए यदि मां चाहे तो संपत्ति के एक तिहाई हक के लिए मांग कर सकती थी, लेकिन संजय की बहन, जिसने आशीष शर्मा के साथ प्रेम विवाह किया था, उसका कोई हक नहीं बनता, लेकिन इसके बावजूद उसकी संपत्ति का एग्रीमेंट किया गया। प्रेरणा साहू ने बताया कि उनके पास वसीयत के पूरे कानूनी दस्तावेज हैं, लेकिन अब भाजपा नेता का पुत्र पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाकर उस पर फर्जी मुकदमे लिखवा रहा है। प्रेरणा ने यह भी आरोप लगाया कि संपत्ति के लिए भूमाफिया उसे जानमाल की धमकी दे रहे हैं। प्रेरणा ने अपनी व अपने 2 मासूम बच्चों की सुरक्षा की मांग भी करने की बात कही है। प्रेरणा ने बताया कि वह अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए विधायक, सांसद से लेकर मुख्यमंत्री के पास जाएगी। इसके अलावा उसने झांसी के उच्च अधिकारियों के पास गुहार लगाने की बात कही। प्रेरणा को विश्वास है कि योगी सरकार में उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। फिलहाल ये तो तय है कि पहले सपा सरकार में गुंडागर्दी करने वालों के कारनामों ने सपा सरकार को गर्त में धकेल दिया, तो वहीं अब भाजपा नेताओं के करीबी और उनके परिवार के लोग सत्ता की हनक में आम जनता को सता रहे हैं। ऐसे में अगर आने वाले समय में जनता का भाजपा के गुंडों पर पार्टी को डटकर बैकफुट भर भी ला सकता है। ऐसे में अगर आने वाले समय में जनता का भाजपा के गुंडों से डरकर पार्टी को भी बैकफुट पर ला सकता है। हमारे जो नंदोई हैं आशीष शर्मा और सास संजय साहू, वो हमारी प्रॉपर्टी, हमारे हस्बैंड को अभी 3 महीने ही नहीं हुआ एक्सपायर हुए, सारी प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा आशीष के द्वारा हर जगह गलत लोगों के साथ मिलकर हमारी चीज़ों को हथियाने और हमें नुकसान पहुंचाने और बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए सारी कोशिशें उन लोगों की हमारे प्रति जारी है। थाने में इन्होंने हमारे लिए फर्जी मुकदमा, हमारे घर वालों के लिए, हमारे भाई, हमारी माँ, हमारे पापा के लिए फर्जी मुकदमा लिखवाया है। कभी क्या संपत्ति को लेकर इन लोगों ने कोई कार्रवाई की है? हाँ, मुझे अभी 2 दिन पहले मालूम पड़ा है कि मेरे बिना, मेरी बिना इजाज़त के इन लोगों ने, इनके जो आशीष शर्मा दामाद हैं, उन्होंने कुछ लोगों से मिलकर हमारे घर होटल की कागज वगैरह फर्जी बनवा कर उसका एग्रीमेंट वगैरह कर दिया है। इसमें कुछ भाजपा नेता हैं जो दबाव बनाने के लिए इन्होंने भाजपा नेताओं का साथ लिया और हमें दबाव बना रहे हैं कि आप भी इसमें अपना कर ले, नहीं तो आपका भी हम हिस्सा जो है वो ले लेंगे। इसमें पहली बात तो ये कि हमारी इजाज़त के बिना कुछ होना नहीं चाहिए। पति के बाद तो हमारे बच्चे हैं, हम हैं,
पर इन्होंने अपने आप को रखा, हमारी सास है संध्या साहू और अपनी बेटी को रखा इन्होंने, प्रियंका शर्मा को। और हमारा जो दामाद है वो बहुत ही फर्जी आदमी है, उसने हमारी नंद से शादी ही इसलिए करी थी, फिलहाल उसकी तबीयत खराब रहती थी, उसको फिट्स आते थे, बहला फसला के इन्होंने शादी करी। उसके बाद इनकी पूरी नीयत खराब रही हमारी प्रॉपर्टी को लेके। उसके बाद जैसे ही ये गए, 3 महीने नहीं हो पाए और फिर उन्होंने नेताओं के द्वारा फर्जी तरीके से हमारी प्रॉपर्टी के पीछे बिल्कुल पूरी तरीके से लग चुके हैं। ये कौन कौन है जिन्होंने ये सौदा, ये जो आप बता रहे फर्जी एग्रीमेंट किया, कौन कौन लोग हैं इसमें? है पुनीत अग्रवाल, कुंवर नगीन सिंह, पंकज रावत, शैलीन गुप्ता, संतोष राय, विशाल धवन, ऋषभ कुमार, अनुराग मिश्रा, मयंक गुप्ता। इसको लेकर आप क्या स्टेप रहेगा, क्या करेंगे आप? हम बिल्कुल अपने बच्चों के अधिकार के लिए DIG SSP हर जगह जाने को तैयार हैं और हम जाएंगे। अगर ये गलत चीज़ें होंगी तो किताब के द्वारा फर्जी तरीके से हमारी प्रॉपर्टी के पीछे बिल्कुल पूरी तरीके से लग चुके हैं। ये कौन कौन है जिन्होंने ये सौदा, ये जो आप बता रहे फर्जी एग्रीमेंट किया, कौन कौन लोग हैं इसमें? है पुनीत अग्रवाल, कुंवर नगीन सिंह, पंकज रावत, शैलीन गुप्ता, संतोष राय, विशाल धवन, ऋषभ कुमार, अनुराग मिश्रा, मयंक गुप्ता। इसको लेकर आप क्या स्टेप रहेगा, क्या करेंगे आप? हम बिल्कुल अपने बच्चों के अधिकार के लिए DIG SSP हर जगह जाने को तैयार हैं और हम जाएंगे। अगर ये गलत चीज़ें होंगी तो, क्योंकि ये चीज़ें हमारी पुरानी चीज़ें हैं, इसको तो हम बचाएंगे अपने बच्चों के लिए। अच्छा, आपने बोला कि भाजपा नेता हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो और नेता हैं इनके पास, इनके पास जाएंगे आप? हमारे पार्टी के कुंवर मांगवेन जी हैं, बहुत ही ईमानदार नेता हैं भाजपा के, हम लोग उनको बहुत मानते हैं, इस पार्टी को बहुत मानते हैं। विधायक जी के पास जाएंगे, सांसद जी के पास जाएंगे, और अगर यहाँ पे अगर सुनवाई ना हुई तो फिर हम योगीनाथ जी के पास जाएंगे। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा हर चीज़ का इतना प्रबंध किया है कि महिलाओं को हक ज़रूर मिलेगा, और हमारे 2 छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो हम बिल्कुल लखनऊ जाएंगे, अपने हक की लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे कि भू माफिया जो है हमारे पति और हमारे बच्चों का हक किसी भी प्रकार से ना ले पाए।